अर्चना जी कहते हैं एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. और डिस्गस्टिंग. लेकिन आज जो मेहमान यहाँ आने वाले हैं वो एक लड़का और लड़की होने के बावजूद ना सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं बल्कि बहुत पुराने दोस्त हैं. सो इन्होंने साथ में बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे में ये फिर से एक साथ दिखाई देंगे. सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड वेरी ब्यूटीफुल माई फेवरेट तब्बू एंड द सुपरस्टार वन एंड ओनली अजय देवगन. अजय सर तब्बू आपका बहुत बहुत स्वागत है. अच्छा अजय पाजी जब भी आते हैं और हमेशा ज्यादा ही फिट नजर आते हैं. तुझे भी आजकल घर पे खाने को मिलता नहीं है. Guys, it means I am losing my weight. Yes. Abbu, आप तो और श्रिंक हो गई पहले से है. आपके शो पे आने के लिए ना बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है. इतनी आपकी टीआरपी व्यूअरशिप आप हैंडसम तो मतलब ये शो का पहला झूठ. तेरे साथ तो फ्लर्ट कर नहीं सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकते? वैसे ना ऐसा लगता है फ्लर्ट करने की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है. पर ऐसा लगता है आपके हाथ में कोई फॉर्मूला लगा है. मतलब जब भी मिलता हूँ और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा पतली कोई ऐसा फॉर्मूला है तो अर्चना जी को बता दो. बहुत टाइम लगाती है मेकअप में सीरियसली. जैसे आज शूट है तो कल शाम को ही आ गई थी. तू शो के बाद मिल मुझे. पाजी एक्चुअली ट्रेलर बहुत ही मजेदार है. सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई. अच्छा अजय सर अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है हर कोई वोट मांग रहा है. आप अकेले ही हैं जो प्यार मांग रहे हैं ना. तो फिल्म में दो हीरोइन है मतलब क्या हिसाब था? मतलब थोड़ा और खुल के बताएंगे हमारी जनता को फिल्म किस बारे में है और कौन किससे प्यार मांग रहा है. आपको तो मिल ही रहा है सर. सब इनसे प्यार मांग रहे हैं बेसिकली. पुराना प्यार है इनके पास, नया प्यार है, बच्चों का प्यार है, सब इनके पास है. बहुत चॉइस है. वैरायटी होनी चाहिए ना. जिंदगी तो आपकी है हम तो ऐसे ही हैं. तो ये बातें बड़ी मजेदार. आइए सर प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है. अजय सर और तब्बू की साथ में जो फिल्में आई हैं बड़ी मजेदार. आप सबको पता है विजय पथ हकीकत गोलमाल फोर दृश्यम इतनी सारी सुपरहिट फिल्में आपने साथ में की हैं तो मेरी शादी में क्यों नहीं आई आप? आपने मुझे रिजेक्ट किया किसी और से शादी कर ली और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? गरीब आदमी ना पता है उस होटल में खाना बड़ा महंगा है. हम लोग ऐसे रेडी पे खाने वाले लोग हम लोग अप्रोच ही नहीं करते जाते नहीं पता है कि ना ही होनी है. और जब इनको फोन किया मैंने कहा मेरी शादी हंसने लग पड़ी. आपको क्या लगा था हमारी शादी हो नहीं सकती? एक्चुअली मैं भी फोन आया था शादी के लिए मैं भी यहाँ था नहीं. तो बोला सॉरी यार आई एम आउट ऑफ टाउन नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा. तो मैं ये कह रहा था कि तब्बू मैम और अजय सर ने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और ये बहुत पुराने दोस्त भी हैं. मैम वैसे कभी एक्चुअली हमने पूछा नहीं कभी मौका नहीं मिला आप कब से जानते हैं? आई थिंक जब से पैदा हुए तब से जानते हैं. अच्छा. और इनको एक्टर कभी नहीं बनना था. ही वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर है ना? मैं बहुत कुछ करता था. आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत. तो और एक्टर इन द सेंस जो पहली फिल्म थी आई वाज एंजॉयिंग आई वाज इन कॉलेज. तो मुझे ऐसे लगा कि अब वक्त है काम शुरू करने से पहले जो मैं कर रहा हूँ आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ. फिर ज़बरदस्ती मेरे डैड ने क्या बड़ी अच्छी जबरदस्ती हुई आपके साथ. हमारा फायदा. बिल्कुल बिल्कुल हमारा फायदा हो गया. चार पांच सक्सेसफुल फिल्में कर ली. इतना शार्प मुंह कैसे हो गया आपका? मैं कब से देख रहा हूँ. जब पिछली बार आई थी पतली लग रही आज और भी हैं. आप क्या डाइटिंग करती हैं कि क्या करती हैं? बेसिकली मुझे लगता है तब्बू में और तुझ में एक ही फर्क है. क्या? प्लेट के साइज का. क्वार्टर प्लेट आती है ना छोटी. हाँ जी. तू उसमें खाना खाया कर. क्वार्टर प्लेट चार पांच बार. हाँ चार सर पे तोड़ लेना. बंदे को ना इतना शौक है ना ये कॉफी पहले भी तो दे ही सकता था. शूट शुरू होने से पहले बीच में आता है और मेकअप भी किया हुआ देखो. आज किया है इसने. करेक्ट. रियली आज किया है मेकअप. पाकिया सीरियसली बताना मेकअप किया ना तूने? हाँ. जब करते थे पूरे बाजू बाजू अभी. अब यहां पे किया नहीं मुंह पर्पल कलर का हो गया इसका.
थोड़ा अजीब सा ही चमक रहा था। अच्छा अजय सर एक बात पूछनी थी, जैसे आप साथ में पढ़ते थे ऐसे मेरे जैसे पढ़ते नहीं थे? पढ़ते कभी नहीं थे। पढ़ा कौन है? मतलब स्कूल कॉलेज जाते थे? ये कुछ और पर्पस से कॉलेज जाते थे अपनी ओपन जीप में, वो बाद में बताओगी आप। अच्छा मतलब आप वैसे नॉर्मल एंट्री कभी लाइफ में लेते ही नहीं? उसमें एक जीप थी कि दो जीप पे खड़े होकर जाते? आज नॉर्मल एंट्री ली ना? आज नॉर्मल एंट्री ली बिल्कुल। वो आपका कसूर नहीं है, वो हमारा बजट कम है। आज भी नॉर्मल ली। बजट कम। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ एंट्री। ये तो है। तो अरे सर कॉलेज में आपके दोस्त बोलते नहीं थे यार फ्रेंड से हमारी भी दोस्ती करवा दो ऐसा? नहीं मतलब नहीं, ये तो उल्टा था। अच्छा मतलब कांपते थे सब लोग ना, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा एक घेराव करके रखा था मेरे आसपास ना। अच्छा। इनको दूर दूर से मालूम होता था कि ऐसा कुछ है, इम्कान है, कुछ चक्कर है, तो लोग वो शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते थे मुझे। आपको ये बात अच्छी लगती थी कि बुरी लगती थी? सर मुझे पता ही नहीं पड़ा इतने साल ना कि क्या हुआ। क्या हो गया? अच्छी बुरी लगे क्या फर्क पड़ता, चॉइस ही नहीं था। मेरी चॉइस पे सब बिल फाड़ते सर। कई बार ना दोस्त अच्छाई अच्छाई करने के चक्कर में सामने वाले को नुकसान करा देते। अच्छाई करने के इंटेंशन से नहीं करते थे। अच्छा। पता नहीं क्या था इनका इंटेंशन ना, सारे मतलब सारा मेरा एक फैमिली और ये उनके स्पाई थे एक्चुअली। आपको पता है आपने कितना नुकसान किया अपने दोस्त का? अभी तक सर, अभी तक उसका यू नो हर जाना दे रही हूँ मैं। ठीक है दोस्ती के नाम पे क्या कर सकते हैं, फ्री है Actually. जो चाहे कर सकती है लाइफ में। वो तो है। वो तो मेरा फ्यूचर का ख्याल करके ऐसे किया इन्होंने। तब किसी को पकड़ लेती आज रो रही होती, कंधा हम दे रहे होते। वो भी सही है Actually. इन लोगों के पास ही जाती फिर उसको भी मारते हैं। आंसू की वजह से लॉन्ड्री में कपड़े हम भेज रहे होते। अरे सर एक्टर तो है ही, ये फिल्में डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, इतना ही नहीं बचे हुए टाइम में एनिमेटेड फिल्मों में जाके अपनी आवाज भी दे आते हैं। अरे सर आपको काम करना ज्यादा अच्छा लगता है घर जाने से डर लगता है आपको? जनता का सवाल है तो शादी के बाद इसके सवाल बदल गए। आदमी बदल गया है तो होता है, आदमी बदलता है थोड़ा थोड़ा। पहले हम दूसरों की लाइफ ऑब्जर्व करते थे, अब प्रैक्टिकल हो रहा है तो आइडिया तो लगता है। अच्छा शुरू में तकलीफ होती है, आदत पड़ जाती है। मैं सही बताऊं तबू आपको जी, शादी ना सिर्फ शादी वाले दिन ही अच्छी लगती है। सब आए होते हैं, नाच गाना चल रहा होता है। हाँ, पता नहीं उसके बाद सब चले जाते खा पी के, फिर एक दूसरे बोलते चले हाँ चलो, फिर वही डेली रूटीन। डर से याद आया सर आपको, मैंने सुना डर लगता है वैसे बाथरूम लॉक हो जाने से? नहीं नहीं बाथरूम से लिफ्ट नहीं, लिफ्ट में ऐसा कुछ? लिफ्ट का मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज़ एक बार मेरे साथ एक हादसा हो गया था, तीसरे अच्छा। या चौथे माले से लिफ्ट क्रैश होके बेसमेंट में चली गई थी। बाप रे। और डेढ़ घंटा हम लोग फंसे रहे थे, तो उसके बाद एक क्लॉस्ट्रोफोबिया सा हो गया। उसके बाद मैंने लिफ्ट में चढ़ना बंद कर दिया, जहाँ जाओ सीढ़ियाँ चढ़ के जाता। ये एक्चुअली मैंने सही कहा, लिफ्ट से डरते हैं। मुझे जब किसी ने बोला ना, मैंने भी उनको बोला, मैं कहा यार ऐसा नहीं हो सकता कि बाथरूम लॉक करने से आदमी क्यों डरेगा, खुला बाथरूम नहाए आदमी तो खुली किताब कोई भी पढ़ जाए। नहीं मतलब तो ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था बीच में अजय सर ने 15-16 फिल्में एक साथ शूटिंग कर रहे थे, है ना अजय सर? आई थिंक शुरू के 10-12 सालों में हम सबने किया है, अक्षय ने और मैंने ज्यादातर। या इतनी सारी फिल्में एक साथ, क्या बात है यार, पहले तो इसी बात पे तालियां बनती हैं। तो सर 14-15 फिल्में एक साथ, मतलब आपने उस बात पे यकीन कर लिया था कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि अक्षय और मैं ज्यादा करते थे जी, आई थिंक दोनों की फैमिलीज वो पंजाबी फैमिलीज है ना, बचपन में बहुत घी बादाम खिलाए हमको जी, एनर्जी ज्यादा थी एक्चुअली, तो उस वजह से शायद हम लोगों ने ज्यादा की। नहीं बहुत अच्छा है सर, आप जितनी ज्यादा फिल्में करें हमें तो और खुशी, हमारे एपिसोड बन जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा फिल्में करिए। तो अजय सर वैसे इतनी सारी फिल्में, कपड़े बदलने का टाइम लगता था आपको? यार सच्ची बताऊं जी, काफी ऐसी फिल्में हैं
जब हम तीन तीन शिफ्टें करते थे, सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 से लेके 10 बजे तक, और कई बार रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक. बाप रे. तो ये तो आज इतनी फैसिलिटीज हैं, मेकअप वैन्स हैं, थिंग्स लाइक दिस है. तब उसे पूछो, जब पहले हम शूटिंग करते थे, ना कोई जगह बैठने की होती थी, ना कुर्सियाँ होती थी, ना वैन्स होती थी. इनको कपड़े चेंज कर, लड़कियों को तो कपड़े चेंज करने के लिए जो इनके जो इनका जो स्टाफ होता था और जो हेयर ड्रेसर और सब होती थी, वो बेचारी ऐसे चादर पकड़ती थी, आजकल चादरें पकड़ती थी ऐसे सड़क के बीच में. इवन जब वॉशरूम नहीं होते थे आपके टाइम पे, तो मैंने सुना कैमरे भी नहीं होते थे. कमिंग टू द पॉइंट, ऑनेस्टली काफी ऐसी फिल्में जब हम तीन तीन शिफ्टें करते थे, तो हम अपनी सुबह से जीन्स जो पहन के घर से जाते थे, उसी में तीनों फिल्म की शूट करते थे. जूते जीन्स सेम होते थे, ऊपर का टॉप शर्ट चेंज की, जैकेट पहन लिया. प्रोड्यूसर बड़े खुश होते होंगे कि एक ही पैंट में काम निपटा रहे हैं. हाँ, बड़े खुश. और पैंट एक है तो ऑब्वियसली मतलब बिलो द बेल्ट, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी. कहने का मतलब, पर यार ये बड़ा हम हंस रहे हैं ये बातें करके, पर उन लोगों से पूछो जिन्होंने ये भुगता है. मतलब इतनी गर्मी में, कभी कभी बहुत सर्दी में शूट कर रहे हैं और कोई जगह ही नहीं है. सर ऐसे थोड़े ना सुपरस्टार बने हैं. तो मैं वहाँ बहुत कम फिल्में करती हैं, पर जो भी करती मजा आता है. मतलब कमाल की फिल्में करती हैं. आप ज्यादा फिल्में किया करें, आपके फैंस आपको हर हफ्ते देखना चाहते हैं. हर हफ्ते बहुत अच्छा लगता है. शो में बुलाएंगे हर हफ्ते. अरे आप बताओ, आपके घर के पास सेट लगा लें हम. पर फिल्म तो एक हफ्ते में नहीं बनेगी ना, फिल्म के लिए तो 1-2 महीने चाहिए, फिर 1-2 महीने के बाद फिर एक हफ्ते आएंगे. जरूरी नहीं है जो लोग सिर्फ फिल्में करते हैं, कई लोग ऐसे भी कुछ भी नहीं करते, हर हफ्ते आते हैं. आई लव यू. अरे सर ने फिल्मों में बड़े बड़े स्टंट किए हैं, आप सबको बताया. फूल और कांटे में 2 मोटरसाइकिल पे आते हैं, सन ऑफ सरदार में 2 घोड़े पे, फिर शिवाय में भी आपने जो लिप टू लिप स्टंट किया एक. मेरे गांव में उसको स्टंट नहीं बोलते, आपके गांव में शायद उसको स्टंट बोलते. नहीं एक्चुअली स्टंट नहीं था, इनके होंठ 2 होठों के बीच आ गए थे. सर मतलब जब आपको स्टंट करना अच्छा लगता है, पर्सनली दिल से अच्छा लगता है, डायरेक्टर आपको बोलते हैं कि आइडिया आपके होते हैं? नहीं, एक्चुअली अच्छा लगता है. पहले बहुत अच्छा लगता था, अब ये करने में मजा आता है कि जो मैं तब कर सकता था अब भी कर सकता हूं. ओह दैट्स अ नाइस चैट. सो उसके इट्स अ डिफरेंट हाई. आपको पता है लोग कल्पना करते हैं कि इस बार अजय सर कैसे स्टाइल से आएंगे, किस तरीके से एंट्री होगी. तो लोगों ने अपनी कल्पना के हिसाब से, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पोस्टर्स डिजाइन किए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं. तब मैम प्लीज आप देखिएगा जरा जी, कि आपकी आने वाली फिल्मों में ऑटो रिक्शा, 2 ऑटो रिक्शा पे एंट्री हो रही है. आगे और भी हैं. क्या है? 2 रिक्शा, साइकिल रिक्शा, 2 साइकिल रिक्शा पे और भी है. 2 सब्जी की रेडियो पे आपकी एंट्री हो रही है. और अच्छा ये कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े हैं. गोलमाल की एंट्री आपकी ऐसे प्लान करिए. और आगे ओहो ये तो अर्चना जी है. दोनों आर्म रेस्ट पे अपने पैर रखे ताकि कोई आके बैठ ना जाए. यार मैं, ये किसने किया, किसका आइडिया था ये? हमारा भी बजट है, हमारी भी टीम है. हमने बंदे रखे हुए. तो मुझे क्यों डाउनग्रेड कर रहा है? मैं बाइक से गाड़ियों पे गया, गाड़ियों से मैं घोड़ों पे गया. नहीं ये हमने नहीं किया. जा रहा हूं तू मुझे रेडी पे, ऑटो पे, मतलब चाहता क्या है? सर देखिए जो आदमी जैसा है उसकी सोच वैसी है, अभी क्या करें. ये तो फ्रूट भी हमने लड़ झगड़ के रखवाए, ये तो फ्रूट भी नहीं रख रहे, फ्लावर पॉट रख रहे थे. मैंने कहा हम क्या गुलाब निकाल के खिलाएंगे किसी को, थोड़ा फ्रूट रखो. तो ये असली है, तब आप खा भी सकती हैं. तो नहीं मारा इस पे. नहीं, पहले नहीं. पहले ऐसे करते थे प्रोड्यूसर्स ना, शूटिंग के सेट पे जो खाना वाना रहता था, ऐसा हो ही नहीं सकता. हमारे शो में खास तौर पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैकअप के बाद तो ये अर्चना ही सारा खा जाती हैं. तब मैं और जैसे अजय सर बहुत कम बोलते हैं, आप तो इतने सालों से जानते हैं, ये शुरू से कम बोलते थे कि शादी के बाद ऐसे हुए? नहीं शुरू से कम बोलते थे, तो शादी भी उन्होंने ऐसे देख समझ के की कि जहाँ उन्हें बोलना बिल्कुल ना पड़े. अच्छा.
तो क्योंकि अजय सर बहुत कम बोलते हैं इसलिए अपने बारे में ज्यादा कुछ बताते भी नहीं है, तो तब्बू जो है इनकी पुरानी दोस्त है, तो इसलिए आज हम इनसे इनके बारे में कुछ सवाल करेंगे। मैम कुछ सवाल है जो जनता ने रखे, मेरे नहीं है ये। तो अजय सर पढ़ाई में कैसे थे, कितने नंबर लाते थे, एनी आइडिया? पढ़ाई करते थे यार, मैं पास हो जाता था। ये काउंटर क्वेश्चन है या आंसर है आपका? तो कैसे पास करवाते थे अपने आप को, वो अलग कहानी। अच्छा हाँ। कॉलेज में ये लड़कियों के पीछे होते थे, लड़कियां इनके पीछे? लड़कियां इनके पीछे। कॉलेज में, उसके बाद भी, इंडस्ट्री में भी। अच्छा ऐसा, मतलब यू नो इनको जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंदर से तो सोच के मजा आ ही गया होगा आपको। नहीं ठीक बात है, भी अच्छी बात है। अच्छा ऐसे तब्बू मैम ने बहुत बार बोला है कि ये ना जो अजय हैं ये हमेशा मेरे पास किसी लड़के को आने नहीं देते थे, मेरी शादी ना होने का कारण है कि ये भी हैं। तो आज हमारे शो पे ना हम एक ऐसा मौका देते हैं, अरे सर आज आपके हाथों ये अच्छा काम हो सकता है, शुभ काम। क्या? तो जो भी तब्बू जी को प्रपोज करना चाहते हैं ओ। आ सकते हैं मंच पे, आइए देखिए, अभी आपका स्वयंवर कराएंगे हम इनके अप्रूवल के साथ। तो एक एक करके आप अपना नाम बताइए और कहां से आए हैं ये बताइए। शुभोजित घोष। माइक से? कोलकाता से हूँ एक्चुअली, बट रहता यहीं पे हूँ सेंट्रल में। कोलकाता से, और करते क्या है? टेक्सटाइल का बिजनेस है। टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो कपड़े तो फ्री में मिलेंगे। तो लड़का है बहुत सीरियस। ये भाई साहब कहाँ से आए? हरप्रीत सिंह बेदी। हरप्रीत सिंह बेदी? यस सर। कहाँ से आए बेदी साहब? कानपुर। कानपुर से आए जी। और करते क्या हैं आप? सर मेरी ऑटो चलती है। ऑटो? हाँ जी। आपके ऑटो हैं ऐसे रेंट पे जो होते हैं? जो रेंट पे है। ओके रेंट पे है। और ये आपका, आपका नाम क्या है? विवेक चराई पोत्रा। विवेक चराई पोत्रा। चराई? चराई पोत्रा। कौन सा पौधा? चराई पोतरा। चराई यार बड़ा यूनिक है नाम, मैं पहली बार सुना। और ये जो पीछे लौंडा खड़ा है, मेरा नाम है मयूर पटेल। हाँ जी मयूर पटेल। अच्छा मैं कहा मुन्नी पटेल, मुन्नी पटेल। मयूर पटेल जी सर। तो आप तब्बू को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप बताइए? अजय देवगन खुद सिलेक्ट करेंगे अपने हाथों से आपको। प्रपोज आप कर सकते हैं? प्रपोज इतने दूर से? दो दूर से क्या, गोद में बैठ के करोगे? दूर पास तो आएंगे ना सर। हाँ पास तो आ जाइए ना पास, हमने कहा रोका आपको। सिर्फ प्रपोज करना है, ज्यादा फ्रैंक नहीं होना। बेसिकली मैम यहाँ पे काफी सारे आशिक आए रहेंगे आपके, जिन लोग आपको बोलेंगे कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हाँ हाँ जिन लोग, किन लोग, जो मतलब है काफी सारे हैं यहाँ पे, काफी सारे हैं। देखिए इनके तो फैंस की कमी होंगी नहीं। आप क्या तोड़ रहे हो? मैं कोई कुछ तोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सलमान खान का फैन हूँ। अच्छा जी। तो बेसिकली ज्यादा बातें घुमाऊंगा नहीं। अच्छा, एकदम कट टू कट बातें करूंगा। अभी जैसे कि आपको टी बहुत पसंद है मैंने सुना है, चाय। हाँ चाय काफी अच्छा बना लेता हूँ, आपके लिए चाय बना सकता हूँ। 5 रुपए की चाय के लिए भेड़ा कर करवा ले अपना चाय। सुबह उठ के सबसे पहले तो चाय पियेंगे ना मैडम? जरूरी नहीं है, हो सकता है उनको कॉफी पीने का शौक हो। ना 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 ना, उनको चाय पसंद है। समझो चाय पिला के गैस कर दो बीवी को अपनी को। ग्रीन टी पिला देंगे। गैस ऐसी बड़ी चीज है ना, बड़े बड़े रिलेशन खराब हो जाते हैं आप। अरे सीरियसली अगर किसी आदमी को गैस नहीं, आप उससे पूछो हाउ आर यू, बोलेगा या आई एम फाइन। किसी को गैस हो ना कैसे हो, एक्सप्रेशन नहीं आता सही। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.